नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सितंबर माह की बहुत ही अच्छी वैकेंसियों के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन समझ में आ जाए। गूगल पे सरकारी रिजल्ट टाइप करते हैं, उसके बाद सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन हो जाता है। उसमें पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है। इसकी डेट 9/9/2020 से स्टार्ट हुई है, अंतिम डेट 29/9/2020 तक है। जनरल ओबीसी वालों के लिए फीस है 1000 रुपये मात्र, SC ST 700 रुपये। लास्ट डेट पेमेंट की है 29 सितंबर 2020। इसका जो एग्ज़ाम होना है अक्टूबर माह के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री प्लस कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। एज लिमिट मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल। वैकेंसी टोटल 16 पोस्ट हैं। जनरल की 3, EWS 1, OBC की 6, SC की 6, टोटल 16 पोस्टें आई हैं। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन वाले के सामने क्लिक हियर पे बटन दबा के आप अपना आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक और नई वैकेंसी आई है, उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश माइक्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो एज लिमिट लिया है 21 से 40 साल, 1/7/2020 के पहले 21 साल की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए। ये सेकंड वैकेंसी है। असिस्टेंट अकाउंट बैकलॉग रिक्वायरमेंट, इसकी भी डेट 9/9/2020 से चालू हुई है और 29/9/2020 को ख़त्म हो जाएगी। OBC वालों के लिए फीस 1000 रुपये, SC ST 700 रुपये। विकलांगों के लिए मात्र 10 रुपये फीस है। टोटल पोस्ट 33 पोस्ट हैं, OBC की 21, SC की 11, ST की 1। बैचलर डिग्री इसमें मांगा है अकाउंटेंट असिस्टेंट। एज लिमिट 21 साल से 40 साल के बीच, 1/7/2020 के पहले 21 साल की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए। अप्लाई ऑनलाइन के सामने वाले क्लिक हियर पर माउस से क्लिक करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जो तीसरी वैकेंसी है राजस्थान SSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ECG टेक्निकल रिक्वायरमेंट 6/8/2020 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसकी डेट दोस्तों अब बढ़ गई है। इसकी डेट 4/11/2020 तक हो गई है और फीस पेमेंट करने की डेट 4/11/2020। एग्ज़ाम डेट का भी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। जनरल OBC EWS मात्र 450 रुपये फीस है।
एससी एसटी 250 रुपये। पेमेंट जो इसका है ऑनलाइन के माध्यम से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल। पोस्टें हैं 195 पोस्ट टेक्निकल की आई हैं। क्वालिफिकेशन है 12वीं प्लस नॉलेज। नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों की पोस्टें हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। जिसमें आपको फॉर्म भरने पर सुटेबल हो कि आपके क्वालिफिकेशन से मैच करता हो, उसी में आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों, वो भी खुल रही है, ध्यान से देखिएगा। जो अगली वैकेंसी है बिहार पुलिस सर्विस कमीशन और जो वैकेंसी है दोस्तों, ये देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें जो दोस्तों जनरल ओबीसी की 750 रुपये, एससी एसटी फीमेल मात्र 200 रुपये, अदर पोस्ट के लिए 100, फीमेल या बिहार वालों के लिए 25 रुपये। इसमें दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, सबकी अलग अलग पोस्टें हैं और सबकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुई, कब ख़त्म होगी लास्ट डेट, इन सभी का विवरण इस वीडियो में दिया गया है। आप उसके सामने वाले डाउनलोड नोटिफिकेशन वाले क्लिक हियर पर क्लिक करके इसका पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि आपको किस में आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसमें दोस्तों जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, इसमें 29/9/2020 तक डेट है। उसके सामने वाले क्लिक हियर का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपना नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि आप ये फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं या नहीं। इसमें सभी का विवरण दिया हुआ है, बहुत सारी पोस्टें आई हैं और पोस्ट का नाम भी दिया है, कितनी सैलरी रहेगी उसका भी विवरण इसी वीडियो में है और डेट कब से कब तक रहेगी ये भी है। लेकिन दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये देखिए दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी है, कुछ की 29 तारीख तक डेट है। इस प्रकार से दोस्तों क्लिक हियर पर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, इसमें पूरा विवरण दिया हुआ कि आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लाएंगे, ये सभी के बारे में। इसमें दोस्तों sarkarirezult.com में जो फॉर्म भरे जा चुके हैं उनका एडमिट कार्ड एवं रिजल्ट इसी लिंक पे आता है, आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एडमिट कार्ड आ गए हैं और कौन कौन से वैकेंसियों के रिजल्ट आ गए हैं जिनका आपने पेपर पहले दे चुका। अगर आपने नहीं, आपका नहीं है, अन्य किसी दोस्त का है दोस्तों, उनको भी आप बता दीजिए कि इसका रिजल्ट और एडमिट कार्ड आ गया है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक
जल्द पहुंच सके। थैंक यू।